नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का फटाफट खबरों में। श्रावस्ती में जिले के चार ब्लॉकों पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रसैकों की तादाद में दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे का हाथ थामा, साथ ही जीवन भर पति पत्नी के रूप में रहने की कस्में भी खाई। तो वहीं सभी जोड़ों को सरकार द्वारा दिए गए योजनाओं का भी लाभ मिला। योजनाओं में आपको बता दें कि मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह कराया गया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर जोड़ों को उपहार और आशीर्वाद दिया। झांसी के 84 क्षेत्रीय गगोई वैश्य समाज के धर्मस्थली श्री श्री 1008 श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर पर 13वां सामूहिक विवाह महायज्ञ एवं विशाल गगोई सम्मेलन गोष्ठी का आयोजन हुआ। सबसे पहले मुख्य अतिथि का समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर संदीप सरावगी ने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और इसी के साथ ही सदस्यों के साथ प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। झांसी के पुरातनी में पुष्पेंद्र कुमार के यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लग गई। इसके चलते देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर के अंदर रखा सारा सामान, कपड़े, सोना चांदी और नकदी जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, जब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था। तो वहीं पीड़ित ने शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। धर्मवीर प्रजापति आगरा केंद्रीय कारागार पहुंचे, जहां वो केंद्रीय कारागार में हो रही श्रीमद भगवत कथा में शामिल हुए। इसके साथ ही कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बंदियों से बातचीत भी की। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नवरात्रि पर प्रत्येक जिले को पूजा पाठ करने के लिए 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि क्या मजहबी काम भी सरकार ताकत से कराएगी। उन्होंने कहा कि मजहबी काम में दखल देना सियासी बात हो चुकी है। इबादत और इसी के साथ ही पूजा पैसों से नहीं की जाती, इसके लिए दिल की भावना होनी चाहिए। संभल में हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे सपा विधायक इकबाल महमूद ने अतीक अहमद की गाड़ी से गौवंश के टकराने पर कहा कि योगी गाय को देखे, अतीक अहमद सुरक्षित है। विधायक संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय में हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बयान किया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित 68,000 अभ्यर्थियों ने अभियुक्ति की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की आवाज के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का हंगामा बढ़ने पर पुलिस बल वहां पर पहुंचा। पुलिस ने जबरन इन्हें हिरासत में ले लिया और इसी के साथ ही आलमबाग के इको गार्डन सभी को ले जाया गया। यहाँ पर प्रदेश भर के चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार हाईकोर्ट की डबल बेंच में जाकर ठीक से पैरवी करे। भर्ती में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया, शासन 13 दिन के अंदर स्पेशल अपील में जाए जिससे कि पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके, नहीं तो पिछड़े दलित अभ्यर्थी सड़क पर संघर्ष करेंगे। झांसी में किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन पत्र सौंपकर भ्रष्ट बीमा कंपनी AIC लखनऊ के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही कहा गया है कि अधिकारी नगर के पिछले साल के खरीफ फसल का क्लेम नहीं दिया गया है, जबकि खरीफ फसल प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इस पर जिलाधिकारी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए क्लेम दिलाने का आश्वासन दिया था। किसानों ने जिलाधिकारी को 2019 में खरीफ की फसल में हुए भ्रष्टाचार के बारे में भी अवगत कराया, जिसमें 32,000 से अधिक किसान आज भी अपने हक की लड़ाई बैंक और कंपनी से लड़ रहे हैं। बदायूं जिले के कश्मीर में आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति शर्मा ने बिना रजिस्ट्रेशन और झोला छाप अस्पतालों की छापेमारी की है, जिससे कि निजी अस्पताल संचालकों में खलबली मच चुकी है। वो शटर गिराकर फरार हो गए। तो वहीं KMP हेल्थ केयर अस्पताल में पहुंचे थे, अस्पताल संचालक मौके से फरार हो गया। अस्पताल में मौजूद नर्स और इसी के साथ ही वार्ड बॉय की हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि लगभग 15 दिन पहले थी छापेमारी के दौरान KMC हेल्थ केयर संचालक शटर गिराकर फरार हो गया। तभी SDM ज्योति शर्मा ने लोगों को चस्पा कर दिया था कि निर्धारित समय पर अपने कागजात लेकर ऑफिस में दिखाई, इसके बावजूद भी फिर से अस्पताल खोल दिया गया। बहराइच के नौबना गांव में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र देकर बताया कि गांव में जंगल के रास्ता सैकड़ों वर्ष पुराना है। गांव के कई लोग अपने खेतों पर जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। उस रास्ते में वन विभाग के 10 मार्च को JCB ने खाई खोदकर छोड़ दिया है। साथ ही वनकर्मियों द्वारा लोगों को आने जाने से मना कर दिया गया है, जिससे कि लोग गन्ने को आपको बता दें कि खरीद केंद्र तक नहीं ले जा पा रहे हैं, जिससे कि किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही तिलहन की फसल भी खेतों में सड़ चुकी है। विकल्प के रूप में अन्य कोई रास्ता भी नहीं मौजूद है। ग्रामीणों ने बताया कि कृषि उपज को लाने के लिए और ले जाने के लिए एकमात्र रास्ता जंगल होकर ही था। ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे में रोड़ा बन रहे पक्के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। पक्के मकान बिलग्राम तहसील क्षेत्र के कचरा बिरमौर राजमार्ग पर बने थे, जहाँ पक्के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से जमीन दोज कर दिया। मामले को लेकर यूपीडा प्रशासन द्वारा
अखबारों में दर्ज कराया गया। राजस्व तहसील के माध्यम से मकान मालिक को नोटिस भी दिए गए थे। इसके बावजूद मकान स्वामी ने मकान गिराना उचित नहीं समझा। बुलडोजर लगातार जमीन बुरुष कराने के दौरान मकान मालिक रमेश तिवारी निवासी तेजीपुर के परिजन ही मौके पर थे। यूपीडा के डिप्टी कलेक्टर वीडी वर्मा ने कहा कि जो भी कम मुआवजा बनता है इनके खाते में भेजा जाएगा। मकान मालिक अपने कागजात उपलब्ध करवाए। बदायूं जिले के बसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चार दिन पहले भी ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया था जो अभी तक निपटा ही नहीं, लेकिन एक दूसरा मामला सामने आकर खड़ा हो गया। बता दें कि बसौली स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात ग्राम यादपुर निवासी आशा ने अपने साथी मालती देवी पर रुपए डिसिप्लिनर को दिलाने के आरोप लगाए हैं। आरोपों को सुनकर भड़की संगिनी ने आशा को खरी खोटी सुना दी और काफी देर रुपए लेने देने को लेकर हंगामा होता रहा। इस भ्रष्टाचार से तंग आकर आशा ने नौकरी तक छोड़ने को कह दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शक्ति का उपासना के पर्व चैत्र नवरात्रि पर महिला पुलिसकर्मियों द्वारा संपूर्ण प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दुपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। इसी क्रम में आज महिला सशक्तिकरण रैली जालौन से रवाना होकर आगरा झांसी पहुंची, जहां महिला संगठनों ने रैली को जोरदार स्वागत किया। सीपी बाजार झांसी स्थित एक स्थानीय होटल के सभाकक्ष में मोदी केयर कंपनी के 27 वर्ष पूरे होने पर इसका जन्मदिवस बहुत ही भव्यता के साथ मनाया गया। जहां पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रगति शर्मा, इसी के साथ ही मोदी केयर के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राची गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में साहित्यकार दीपशिखा शर्मा भी उपस्थित थी। ललितपुर में थ्रेसर की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने खेत पर थ्रेसर में फसलें डाल रही थी और इसी बीच अचानक वो थ्रेसर की चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनाकाना में जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही मौके की खबर से महिला के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। झांसी के अमलिया में दो बाइकों के आमने सामने टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। अलीगढ़ में ससुराल वालों पर 4 महीने की गर्भवती महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बता दें कि 4 साल पहले महिला की शादी हुई थी। आरोप है कि ससुराल वाले आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। वही महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। महिला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पीलीभीत प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी सड़क झाड़ू से ही उखड़ रही है। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ललौरी खेड़ा ब्लॉक से हरचुईया अड़ासी तक करीब 7 किलोमीटर लंबी सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मंजूर हुई थी। सड़क का 60.24 लाख रुपए से निर्माण हुआ था। मंजूरी के बाद ठेकेदार रियाज अहमद की ओर से काम शुरू किया गया। सड़क की घटिया सामग्री को लेकर जब शिकायत हुई तो अधिकारियों ने करीब 4 महीने पहले ठेकेदार को चेतावनी देते हुए दोबारा सड़क छीन कर बनने के लिए कहा था। इसके बाद अब सड़क पर मशीन से कोलतार मिलवाकर बजरी डाली जानी थी, फिर रोलर चलना था, लेकिन आरोप है कि हाथों से ही मजदूरों से बजरी सड़क पर कोलतार से मिलवाकर पड़वा दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि मशीन की जगह मजदूरों से काम करवा दिया गया है, जिससे सड़क पैरों और झाड़ू लगने से भी खड़ी। रायबरेली में निलंबन से वापस लौट रहे बाइक सवार 4 लोग ट्रक की चपेट में आ गए, जिसमें 3 की मौत हो गई है। ट्रक की चपेट में आए एक अन्य किशोर की हालत गंभीर थी। किशोर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मामला ग्रीन एरिया थाने का है। बस्ती में राम जानकी मार्ग पर बनहरा सीएचसी के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 2 बाइकों की ट्रक से टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हरिद्वार जिले को एक और बड़ी सौगात। उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन ने हरिद्वार में पॉट टैक्सी चलाने का प्रस्ताव तैयार किया, मतलब अब हरिद्वार में पॉट टैक्सी चलाई जाएगी। पॉट टैक्सी के लिए ये आपको बता दें कि 20.74 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। हरिद्वार से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए कुंभ नगरी हरिद्वार में भारत की पहली पॉट टैक्सी चलाए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हरिद्वार जिले को एक बड़ी सौगात दी है। धामी कैबिनेट ने हरिद्वार में 20.74 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर पर्सनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के तहत पॉट टैक्सी चलाने को मंजूरी दी। उत्तराखंड भाजपा में कांग्रेस के नेताओं में शामिल होने का सिलसिला जारी है। जैसे ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीते दिनों कहा था कि भाजपा बूथ स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक के नेताओं को भाजपा में शामिल कराने का काम करेगी, जो कि कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रदेश चमोली के राहुल वार्ड की जिला पंचायत सदस्य ममता देवी और उनके पति शांतिलाल ने भाजपा का दामन थामा है। दोनों ही नेता अभी तक कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। राहुल वार्ड की जिला पंचायत सदस्य ममता देवी ने कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र के लोग काम न कराए जाने को लेकर उन्हें नाराज थे, जिसकी वजह से अब उनको भाजपा में शामिल होना पड़ा। बिना बाध्यता के क्षेत्र में सारे काम हो सकेंगे।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सदस्यता निरस्त किए जाने एवं देश में लोकतंत्र को उत्पन्न खतरे को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी ने हनुमान चौक उत्तरकाशी में देवसुमन जी की प्रतिमा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के शुद्ध युद्ध के लिए सत्याग्रह किया। इसके साथ ही चारधाम यात्रा में पंजीकरण के खिलाफ भाजपा सरकार का पुतला दहन कर स्थानीय होटल रेस्टोरेंट एवं व्यवसायियों को पूर्ण समर्थन दिया है। हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस ने एटीएम लूट कर रहे पांच बदमाशों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बैंक के बाहर लगे एटीएम मशीन के अंदर से ही पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपों के कब्जे से पुलिस ने देसी तमंचा और एटीएम मशीन तोड़ने के हथियार भी बरामद किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीती रात कनखल थाने में तैनात दो चेतन कर्मी जो थे वो गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें जगजीतपुर क्षेत्र में लगे पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लगी एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की आवाज़ सुनाई दी। चेतन कर्मियों के पास जाकर देखा तो एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रखवाली कर रहा था और चार बदमाश अंदर एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इतने में चेतक कर्मियों ने कनखल थाने में सूचना कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर पांचों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में धामी सरकार के एक साल पूरे होने पर डोईवाला विकासखंड रायवाला के प्रतीतनगर स्थित खेल मैदान में एक दिवसीय बहुद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देहरादून की मुख्य विकास अधिकारी झरना कामथान, इसी के साथ ऋषिकेश के उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल, तहसीलदार अमृता शर्मा, डोईवाल के ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल की मौजूदगी में शिविर का उद्घाटन करते हुए संघीय विधायक और प्रदेश के वित्त शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास निर्माण के क्षेत्र में नमूना विकास का काम किया जा रहा है। पौड़ी जिला मुख्यालय में लंबे अवकाश के बाद फिर से एसएसपी श्वेता चौबे ने कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की यातायात व्यवस्था को सुधारने के साथ सड़क दुर्घटना की घटनाओं पर अंकुश लगाने को भी कहा। कहा कि निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना गुरुद्वार पहुंचे। गुरुद्वार पहुंचकर प्रेसवार्ता की गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता को समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ू यात्रा के बाद अब अडानी मोदी का रिश्ता बताओ इस अभियान को पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में यह अभियान शुरू हो गया है और कहा कि राहुल गांधी के भाषणों ने पूरी बीजेपी पार्टी को हिलाकर रख दिया है, जिसके चलते बीजेपी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। राहुल गांधी की सदस्यता ही समाप्त कर पाती गई। सितारगंज में घर की पहचान लाडली के नाम कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ रेंगुड़ा ने बच्चियों के नाम लिखी तख्तियां वितरित की। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कोरोना काल और इसी के साथ ही अवैध वर्तमान समय में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। बाल विकास परियोजना विभाग ने मंत्री सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घर की पहचान लाडली के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। ऋषिकेश में एक कार के पीछे से आकर एक व्यक्ति को जोर से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति अजीब अवस्था में सड़क के किनारे गिर पड़ा। लोगों द्वारा पुलिस को बुलाकर आनंद फानंद में एक ऋषिकेश पर उन्हें भर्ती कराया गया, उसकी हालत काफी खराब थी। बादल में पहाड़ पर अवैध खनन का काम हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण जिला ग्रामीणों ने आक्रोशित होते हुए कहा कि अगर पहाड़ का तोड़ने का काम जल्द ही नहीं रोका गया तो हम सभी आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। महोबा में चार दिन पहले युवक का अपहरण कर चौथी मांगने के मामले में पुलिस की निशानदेही के बाद शहर के बाहर सुनसान इलाके में बने मकान में युवक का दफन शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। किसी गैप के माध्यम से मिले दो युवकों ने इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। युवक का अपहरण और फिर हत्या से परिवार में दोहरा मचा हुआ है। दोनों ही हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हत्या में उपयोग किया हुआ हथियार भी बरामद किया। वही पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की। रायबरेली के जिग्या गांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक बाइक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। अपनी बाइक सवार एक युवक और दो बच्चों की मौत हो गई, वहीं उनका मासूम भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरक्षा बल और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी। झांसी में लोकसभा चुनाव की तैयारी और व्यापारी सम्मेलन में भाग लेने झांसी आए स्वतंत्र प्रभार मंत्री ने अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाने के दौरान गाड़ी पर रखने और एनकाउंटर की चर्चाएं लगातार करने वाली समाजवादी पार्टी को माफियाओं की पार्टी बताते हुए कहा कि योगी सरकार माफियाओं पर कार्रवाई करती है, इसीलिए उन्हें तकलीफ होती है क्योंकि वो माफियाओं का साथ देते हैं। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी एवं मद्य निषेध स्वतंत्र प्रभार मंत्री नितिन अग्रवाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि वो झांसी में व्यापारी के आयोजित सम्मेलन में भाजपा का छोटा कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। उनका लक्ष्य है कि 2024 में लोकसभा की नियुक्ति की पूरी सीटों के लिए पूरे बहुमत में देश में फिर मोदी सरकार बने, इसीलिए वो लगातार झांसी शहर से योग
यूपी में सभी जिलों में जाकर व्यापारियों से वार्तालाप कर रहे हैं। और इसी के साथ ही फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।